और इसी बीच हड़ताल पर परिवहन मंत्री का बड़ा बयान सामने आया। राव उदय प्रताप ने बड़ा बयान दिया है। सीएम के साथ हड़ताल को लेकर बातचीत हुई है। उन्होंने कहा ड्राइवर्स को चिंता करने की जरूरत नहीं है, बातचीत का रास्ता हमेशा खुला है, हड़ताल करना ठीक नहीं है, लोगों को परेशानियां इससे हो रही हैं, सरकार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। ये मंत्री द्वारा तमाम बातें। देश भर में चल रही ड्राइवर्स की हड़ताल के चलते अब आम लोगों की परेशानियां थोड़ी सी बढ़ गई हैं, लेकिन सरकार की प्रशासन की कोशिश है कि सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल सके। मध्यप्रदेश के परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कुछ बातचीत और क्या अपील ड्राइवर्स से प्रशासन ने, सरकार ने अब तक की है, और इस समस्या का हल निकालने की दिशा में कोई कदम? इस सरकार पूरी संजीदगी से पूरी व्यवस्था पर नजर रखे है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस बात की चिंता कर रहे हैं। कल शाम को मैं भी उनके साथ बात करी हम लोगों ने, और मैं तो आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि ड्राइवर्स को चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस देश में हमारी न्यायपालिका बहुत सक्षम है, तो कानून का बनना अपराध तय करना नहीं है। दुर्घटना अगर दुर्भाग्य से दुर्घटना होती है तो आप फर्स्ट इन्फॉर्मर बनिए। आप अगर किसी तरह की कोई समस्या है, आज हिट एंड रन में 10 बरस का कारावास है, ये जुर्माना है भाई। अगर दुर्भाग्य से कोई दुर्घटना होती है, आप सूचना देते हैं तो आप उसके दोषी हैं नहीं, क्योंकि आप सड़क के ऊपर चलने में कभी भी दुर्घटना का अंदेशा हर व्यक्ति के साथ बना रहता है। बातचीत का रास्ता हमेशा खुला रहता है। चक्का जाम करना, लोगों के रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित करना, लोग हॉस्पिटल ना पहुंच पाए, पेशेंट्स हॉस्पिटल ना पहुंच पाए, ये बड़ी चिंता का विषय सरकार का भी है और नागरिक के नाते, जनप्रतिनिधि नाते मेरा भी है। मैं भाई यही उनसे अनुरोध करूंगा कि ये इन चीज को वापस लेना चाहिए और बातचीत का रास्ता हमेशा खुला रहता है। उससे बेहतर परिणाम पहले भी आए हैं, मुझे लगता है इस बार भी ऐसी कोई संभावना खत्म नहीं हुई। जनमानस को बड़े भरोसे के साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मोहन यादव जी पूरी संवेदनशीलता के साथ पूरे प्रदेश में नजर रखे हुए हैं और आम जन की चीजें उपलब्ध रहें, आसानी से उपलब्ध रहें, इस बात की चिंता भी कर रहे हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट हमारे समय पहुंचे और स्कूल्स में हमारा शिक्षा व्यवस्था प्रभावित ना हो और डीजल पेट्रोल की आपूर्ति निर्बाध रूप से चलती रहे, इस बात की सरकार चिंता कर रही है। परिवहन की बात हो या स्कूल शिक्षा की, मंत्री उदय प्रताप सिंह हमारे साथ थे और उन्होंने कहा कि सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलती रहेंगी और लगातार प्रशासन शासन बातचीत कर रहा है और हल जल्द ही समस्या का निकाल लिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष सिंगर के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। तो हड़ताल लगातार जारी है और अलग अलग जगह पर अलग अलग तस्वीरें हमें देखने को मिल रही हैं। सहयोगी भी जुड़ गए हैं, वासु हैं, सुशील हैं, तनु हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। भोपाल का सबसे पहले रुख कर लेते हैं। वासु, हड़ताल लगातार जारी है, दूसरा दिन आज है, आखिर कितना हड़ताल का असर वहां पर देखा जा रहा है? और साफ तौर से मंत्री, परिवहन मंत्री भी कहते हुए नजर आए कि बात करने को तैयार हैं, रास्ता निकलेगा, कैसे देखें? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर जिस तरह से हड़ताल का समय बढ़ता जा रहा है, आम लोगों की जो परेशानियां हैं, जो समस्याएं हैं, वो भी अब तेजी से बढ़ रही हैं, क्योंकि अब पैनिक एक क्रिएट होने लगा है आम लोगों में, क्योंकि जब